और इसी बीच आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है और इसी क्रम में छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए रेलवे द्वारा देश के प्रमुख शहरों से पूर्व मध्य रेल के लिए और 16 जोड़ी यानी 32 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा है। दीपावली बीत चुकी है और सूर्य उपासना का महापर्व छठ आने वाला है। डाला छठ के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले प्रमुख रूप से यूपी, बिहार और झारखंड के लोग आस्था के इस महापर्व मनाने के लिए अपने घरों को लौटते हैं। ऐसे में ट्रेनों में भारी भीड़ होती है और कंफर्म टिकट मिलना भी काफी मुश्किल होता है। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा मनाने के लिए अपने गंतव्य स्थान, अपने गांव, अपने शहर जाना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में रेलवे की तरफ से पूरी तैयारी ऐसी की जा रही है कि यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से लोगों को तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्पेशल ट्रेनें भी तकरीबन 190 से ज़्यादा की संख्या में रेलवे की तरफ से चलाई गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। आलम यह है, चाहे आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो चाहे फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो स्टेशन का रुख कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में RPF की तरफ से, रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो। आपको बता दें बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं और ऐसे में खासतौर पर रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म टिकट पूरी तरह से बंद किया गया है 18 नवंबर तक, क्योंकि जब कोई भी यात्री अपने गंतव्य स्थान, अपने गांव, अपने शहर जाता है तो उसको छोड़ने के लिए लोग बड़ी संख्या में जाने शुरू हो जाते हैं रेलवे स्टेशन तक। ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रेलवे की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि भीड़ कम हो, जिनके पास वैध टिकट है वही सफ़र कर सकते हैं। और ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देखें तो लोग अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी तादाद में RPF की भी टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है। आपको बता दें मुंबई हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह से लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं छठ पूजा मनाने के लिए। तो रेलवे की तरफ से कोशिश की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अलग से टिकट काउंटर जो है वो बनाए गए हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो। कैमरामैन हरविंदर के साथ दीपक दुबे, News 24 दिल्ली। तो दिवाली के बाद दिल्ली NCR में AQI का स्तर बढ़ चुका है और आपको बता दें कि जिस तरह से आतिशबाजी हुई उसके बाद से ही स्थिति बनी हुई है। नोएडा की बात की जाए तो AQI 382 जबकि गुरुग्राम का AQI 373 पहुंच चुका है। स्मॉग की मोटी चादर में लिपटे दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर 400 के करीब पहुंच चुका है। आसमान में धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा है। दिल्ली के सफदरजंग और पालम में जहरीली हवा की गुणवत्ता 500 के करीब तक पहुंच गई और ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मयूर बिहार की तस्वीरें देखिए और ये धुंध, जी हाँ, और ये जो धुंध आप देख रहे हैं जहरीली धुंध है। मौसम साफ हुआ था लेकिन आतिशबाजी इतनी ज्यादा हुई, लोगों ने इतनी ज्यादा लापरवाही बरती सख्ती के बावजूद भी, उसके बाद से ही आपको बता दें कि AQI का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। कई जगहों पर 500 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिशाओं से चल रही ठंडी हवा के कारण प्रदूषण के कण जो हैं वो वातावरण में फैल रहे हैं और ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 62 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली NCR में AQI का स्तर और भी ज्यादा मुश्किल और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जो धुंध देख रहे हैं ये समय है सुबह का और ये जहरीली धुंध है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली NCR में लोगों के लिए कितना मुश्किल सांस लेना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह है तो 400 के ऊपर पहुंच चुका है और दिल्ली के कुछ इलाकों में 500 के ऊपर भी पहुंच चुका है। तो दिल्ली NCR में AQI का स्तर लगातार, आपको बता दें कि निचले स्तर पर गिरते जा रहा है। हालांकि इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार सख्ती भी बरत रही है, लेकिन इसके लिए आम लोगों को भी सहयोग देना होगा। स्मॉग की मोटी चादर में लिपटा है दिल्ली NCR का पूरा इलाका। अलग अलग AQI लेवल की बात की जाए तो चाहे लोधी रोड की हो, अक्षरधाम की हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, 350 से लेकर 400 के पार पहुंच चुका है AQI लेवल। ऐसे में जिस तरह से पराली की जलाने की घटनाएं पंजाब, हरियाणा से ज़्यादा सामने आई हैं, उसके साथ साथ
दिवाली का जो पोल्यूशन है वो साफ तौर पर आसमान में दिख सकता है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। महज ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग, इसकी जो दूरी है तकरीबन 500 मीटर की है, लेकिन ये बिल्डिंग भी पूरी तरह से धुंध की चादर में लिपटी हुई है। आपको बता दें कि अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा का जो एक्वाई लेवल है 382 पहुंच चुका है, और इसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा 348, गाज़ियाबाद 356, गुरुग्राम 373, दिल्ली की अगर बात की जाए तो 370, और इसके साथ साथ लोधी रोड 357, दिल्ली विश्वविद्यालय 394, एयरपोर्ट 393, यानी कि 400 के करीब पहुंच चुका है। वहीं सफदरजंग और पालम मौसम केंद्र की अगर बात की जाए तो 500 की गुणवत्ता पहुंच चुकी है, और आसमान में आप देख सकते हैं धुंध की चादर पूरी तरह से लिपटी हुई नज़र आएगी। हालांकि दिल्ली एनसीआर वासियों को कब इससे राहत मिलेगी यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक उत्तर पश्चिमी दिशाओं में चल रही ठंडी हवा के कारण प्रदूषित कण वातावरण में फैल नहीं पा रहे, जिस कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। ठंडी हवाओं के कारण रात का तापमान भी घटा है, जिसने आने वाले दिनों में भी और भी ज़्यादा एक्यूआई लेवल का स्तर बढ़ने के आसार जानों कार्गो की तरफ से बताए गए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं आसमान में पूरी तरह से धुंध की चादर, स्मॉग नज़र आ जाएगा। अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य भी पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहरीली हवा से दिल्ली एनसीआर वासियों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।